अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में प्रवेश उत्सव मनाया गया। बनेगा 250 सीटर दो नया छात्रावास, उद्योग मंत्री ने की घोषणा। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए 250 सीटर के दो नए छात्रावास बनाए जाएंगे। ये बात प्रदेश के उद्योग एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बच्चों के बीच पहुंचकर छात्रावास प्रवेश उत्सव के दौरान कही। उद्योग मंत्री ने लड़कियों के लिए डाइट कार्यालय के पीछे 250 सीटर छात्रावास बाबू जगजीवन राम के नाम से बनाने की घोषणा की। इसके लिए पैसा भी आ चुका है। वहीं लड़कों के लिए रतहरा के पास छात्रावास बनाने की बात कही। वह भी 250 सीटर होगा, जिसके लिए भूमि का चयन शीघ्र कर लिया जाएगा। अनुसूचित जाति के छात्रावास और अनुसूचित जनजाति के छात्रावास के लिए हम सब सारे लोग और ज़्यादा संख्या में हॉस्टल्स बन जाएं, इसका प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों बच्चियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए 250 सीटर हॉस्टल मंजूर हुआ है। 8.5 करोड़ रुपए पीआईओ को दे दिया गया और छोटिया टंकी के पास जो डाइट है, क्योंकि मुझे बताया गया कि यहाँ पर 50 सीटर और 60 सीटर पोस्ट मैट्रिक, 110 बच्चियाँ यहाँ पे हैं, जबकि जगह 60 से ज़्यादा नहीं है और इसलिए नए हॉस्टल बनाने की ज़रूरत है। तो बच्चियों के नया हॉस्टल धोबिया टंकी के पास जो डाइट है, उसके पीछे जो बड़ा मैदान है, उसमें बाबू जगजीवन राम छात्रावास के नाम से वो 250 सीटर बनेगा और इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी 250 सीटर और मंजूर कराया है। जो रतहरा के पास एक स्थान देख लिया है, वो पैसा भी बहुत जल्दी पीआईयू को आ जाएगा और उसके टेंडर होंगे, उसका काम शुरू हो जाएगा।